हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स की वीडियो सीरीज के इस सेकेंड एपिसोड में मैं राजीव शर्मा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। इसी सीरीज के लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था, तो आज मैं इसमें सेकेंड ऑर्डर डिस्कस कर रहा हूँ। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रिएक्शन है वो सिर्फ सिंगल स्टेप में अकर करेगा, और इसलिए सिंगल स्टेप में अकर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन नहीं होगी या कार्ब कैटायन फॉर्मेशन नहीं होगी। सिंपल रिएक्शन होगा और एक ही रिएक्शन में, एक ही स्टेप में बेसिकली टोटल रिएक्शन अकर कर जाएगा। तो हम उसका जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अकर करता है। तो यदि जनरल मैकेनिज्म देखें तो जनरल मैकेनिज्म में मैंने एक अल्काइल ब्रोमाइड लिया है, उसको मैं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, और मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके एक अल्कोहल बना रहा है और उसके साथ जो है मेटल हैलाइड बन रहा है। अब हम यहां पे ये करेंगे कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है उसको हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि हम प्रोटिक सॉल्वेंट यहां क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो लास्ट पे जाकर के जब मैं सॉल्वेंट्स की सिलेक्शन को डिस्कस करूंगा वहां पे इसको इलाबोरेट करूंगा कि क्यों हम प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं यहां यूज कर रहे। तो हम यहां एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में मेटल हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करेंगे। अब जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि हम जब रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो होगा कि मेटल पहले हैलाइड को इंटरैक्ट करेगा, और बेसिकली हैलाइड के चांसेस वहां मेटल के साथ ज्वाइन करने के ज्यादा हो जाएंगे। इन द मीन टाइम क्या होगा कि क्योंकि कार्बोनियम आयन यहां नहीं फॉर्म हो रहा, इसलिए फॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि कार्बन की स्टेबिलिटी नहीं है, कार्बन स्टेबल नहीं होगा। तो क्योंकि कार्बन स्टेबल नहीं होगा, जितनी देर में बेसिकली हैलाइड रिमूव होगा उससे पहले क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल उसको ज्वाइन कर जाएगा। यहां जो एग्जांपल में मैंने लिया है वो हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड उससे पहले ज्वाइन कर जा रहा है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है कि जब भी SN2 रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होगा स्टेबलाइज होगा और बेसिकली वो जो भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका एक तो एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट पे बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट पे बनने के बाद सेकेंड होगा कि क्योंकि कार्बन एटम की यहाँ पेंटावेलेंसी आ रही है। कार्बन यूजुअली टेट्रावेलेंसी शो करता है, पेंटावेलेंसी कभी भी शो नहीं करेगा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में उसकी पेंटावेलेंसी आ रही है, इसीलिए हम उसको बेसिकली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये है कि वो जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और या तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आगे एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। अब जैसे इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक ही बेल शेप कर्व आ रही है जिसमें जो टॉप मोस्ट पोजीशन आ रही है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, वहां बन रहा है। तो उस स्टेट पे जो टॉप ऑफ द बेल जो जहां पे है वहां पे जाके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में स्पेसिफिकली ये होता है कि यदि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, या मैं उसे इनडायरेक्टली इस तरह से कह दूं कि जिन रिएक्टेंट्स की बेसिक एनर्जी ज्यादा है और उनका एक्टिवेटेड स्टेट फॉर्मेशन की जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है, वही रिएक्टेंट्स फास्ट रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे। जिन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है वो रिएक्शन बेसिकली स्लो हो जाएगा। तो स्लो और फास्ट रिएक्शन इस तरह से यहाँ कैरेक्टराइज करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है उस पर डिपेंडेंसी है। यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं होगा कि कोई भी रिएक्शन फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है। यदि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है तो रिएक्शन विल टेक टाइम टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट, और एक बार ट्रांजिशन स्टेट अचीव होगा उसके बाद वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखें कि किस तरह से जो बेसिकली अल्काइल ग्रुप्स है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है उसमें हम देखें तो मिथाइल या प्राइमरी कार्बन एटम जो होंगे वो रिलेटिवली फास्टर रिएक्ट करेंगे देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप्स है उसमें मिथाइल जो ग्रुप है वो सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा, और जो टर्शरी बन रहा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, वो उसमें हेलोजन जो है रिमूव बहुत टाइम लगाएगा। उसका रीजन ये है, स्टेरिक हिंड्रेंस उसका रीजन है। तो हम देखते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह से क्रिएट होता है। अब जैसे हमने ये देखें, ये हमारे पास जो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में उसका इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा।
अब इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में देखें तो जहां पे ये ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो स्पेस अवेलेबल है, जैसे हम ये देख सकते हैं कि तीन हाइड्रोजन के बीच में स्पेस अवेलेबल है जहां पे बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल है तो इसीलिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इजिली उस कार्बन तक अप्रोच कर सकता है, और यदि वो इजिली अप्रोच करेगा तो क्या होगा कि ब्रोमीन जो है वो इजिली लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और वो जल्दी से लीव कर देगा। पर जैसे जैसे हम इसमें कार्बन एटम बढ़ाते चले जाएंगे, अब जैसे इसी को ही मैं यदि प्राइमरी कार्बन एटम बना करके देखूं, तो जैसे ये प्राइमरी कार्बन एटम हो गया, अब इस केस में क्या हो गया कि हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से। अब यहां मिथाइल ग्रुप जो है बेसिकली वो क्या हो रहा है, एक बल्की ग्रुप आ गया, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको सिर्फ एक या दो डायरेक्शन ही रह जाएंगी जहां से वो इजिली अप्रोच कर सकता है, वो सारी डायरेक्शन से अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि एक जगह मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके कारण से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो मिथाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी हैलाइड। तो क्योंकि और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे अब यहां पे देखें तो यहां पे क्या है कि यदि एक मिथाइल ग्रुप ने एक पूरे एरिया को कवर कर लिया है तो न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन से ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास ज्वाइनिंग के लिए बहुत लिमिटेड सा स्पेस अवेलेबल होगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो हो जाएगी वो स्लाइटली लेस हो जाएगी देन मिथाइल। नेक्स्ट यदि हम सेकेंडरी को देखें तो अब सेकेंडरी में इस तरह से हो जाएगा कि अब दो मिथाइल ग्रुप्स हो गए और कार्बन एटम के साथ जो ब्रोमीन लगा है अब उसको और कम स्पेस मिल रहा है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को और कम स्पेस मिल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए। और यदि अब मैं इसको देखूं कि स्टेरिक हिंड्रेंस से किस तरह से इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दो मिथाइल ग्रुप के कारण अब कार्बन जिसमें ब्रोमीन लगा है उस पर बहुत कम स्पेस रह गई है कि जहां से न्यूक्लियोफाइल उसको ज्वाइन कर सकता है, इसीलिए जो सेकेंडरी होगा उसमें और ज्यादा कम रिएक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन तक अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। अब यदि हम नेक्स्ट टर्शरी में देखें तो अब टर्शरी में तीनों तरफ से बेसिकली कार्बन को जिसके साथ ब्रोमीन लगा है वो उसको बेसिकली मिथाइल ग्रुप से घेर लिया है। अब क्योंकि मिथाइल ग्रुप से घेर लिया है तो उसके लिए न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत कम स्पेस रह गया है कि जहां से वो कार्बन को अप्रोच कर सकता है, और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो जो कार्बन एटम जिसके साथ ब्रोमीन लगा है उसका यहाँ पे स्पेस ही नहीं है क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप्स ने क्या किया है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या स्पेस खत्म कर दिया है कि न्यूक्लियोफाइल उसको ज्वाइन कर सके। इसीलिए क्या होगा, टर्शरी जो है वो बिल्कुल भी SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो उसी को जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था उसी को मैं इस तरह से प्लेस कर सकता हूं कि मिथाइल में क्योंकि स्पेस ज्यादा अवेलेबल है न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अप्रोच कर सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल हैलाइड्स जो होंगे वो बहुत जल्दी SN2 रिएक्शन फॉलो करेंगे, पर जो टर्शरी बन रहे होंगे टर्शरी हैलाइड्स है वो बिल्कुल भी SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि लिविंग ग्रुप्स किस तरह से होते हैं और क्या लिविंग ग्रुप्स का क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो लिविंग ग्रुप के क्राइटेरियाज बेसिकली जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप रिलीज करेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसमें जो स्टेबल वीक बेसिस बनेंगे, एनायन स्टेबल वीक बेसिस बनेंगे, वो ज्यादा बेटर तरीके से बेसिकली लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं कि यदि हमने अल्कोहल ग्रुप या अमीन ग्रुप को एज ए लिविंग ग्रुप यूज करना है तो उसको रिमूव करने में हमें बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि उसका जो बॉन्ड कार्बन के साथ होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और वो इजिली ब्रेक नहीं करेगा। पर यदि हम आयोडाइड आयन है, आयोडाइड को देखेंगे तो आयोडाइड बहुत इजिली रिमूव हो जाएगा। अब वैसे यदि हम हैलाइड्स में देखें तो क्या हो रहा है कि जैसे हम नीचे को मूव कर रहे हैं तो आयोडाइड का साइज बढ़ रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है और उसके जो बॉन्ड होगा बॉन्ड की लेंथ भी ज्यादा है, तो दो तीन फैक्टर्स हैं कि उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके कारण क्या होगा बॉन्ड पे इजिली फिशन होगी और वो बहुत अच्छी तरह से लिविंग ग्रुप की तरह रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली बड़ा साइज होगा, एनायन बन रहा होगा और वीक बेस होगा तो वो बहुत इजीली रिमूव होगा, पर स्ट्रॉन्ग बेसिस यूजुअली इजीली रिमूव नहीं होंगे। लास्ट आगे देखते हैं कि सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है। अब सॉल्वेंट में जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम यहाँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं।
अब यहां पे जैसे मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी एनायन होगा और जो लिविंग ग्रुप होगा वो भी यूजुअली एनायन की तरह सेपरेट आउट होगा। पर अब यहां पे यदि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे वाटर लिया है मैंने यहां पे, तो वो क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो एनायन है उसको वो स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज करने के कारण क्या होगा कि वो इजिली रिएक्शन नहीं करेगा। और सेकेंडली यदि हम एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर बनाया है, तब इस डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में क्या है कि नाइट्रोजन जो है उस पर बिल्कुल भी वो क्या करेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस पर वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो इंटरैक्ट नहीं करेगा। यदि इंटरैक्शन नहीं हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इजिली बेसिकली कार्बन एटम के साथ ज्वाइन कर सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देगा। तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कॉम्पिटिशन्स में आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जब हम रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करके उनके प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं तो ये जो सॉल्वेंट इफेक्ट और किस तरह का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, किस तरह का लिविंग ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो SN1 रिएक्शन है चाहे वो SN2 रिएक्शन है, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप SN1 रिएक्शन को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर कहीं फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना कि अपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक करना है। यदि आप प्रैक्टिस MCQ टेस्ट ढूंढ रहे हैं, मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट ढूंढ रहे हैं, नोट्स ढूंढ रहे हैं, तो चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।